अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सी एस एस प्लानट ऑफिशियल। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि सी एस एस के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट वन के बारे में है। अपनी इन सीरीज़ में पहले हम आई आर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, देन फिर हम उसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस की तरफ, उनके टॉपिक्स की तरफ आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो है नेशन। तो उसको हम समझ लेते हैं कि नेशन क्या होता है। अ नेशन कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल, यानी कि नेशन क्या होती है। ऑब्वियसली हम इस अर्थ पर रह रहे हैं तो ज़मीन पर लोग ही आबाद हैं, तो नेशन में वो एक कम्युनिटी होती है, एक ऐसी पॉपुलेशन होती है लोगों पर मुश्तमिल, दैट आर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। यानी कि वो जो लोग होते हैं एक आपस में जुड़े होते हैं, उनकी आपस में जुड़ने की बुनियाद क्या चीज़ें होती हैं, उनकी ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनके कॉमन कल्चर होंगे, उनकी सकाफत एक होगी, उनकी हिस्ट्री एक होगी, उनके ट्रेडिशंस एक होंगे, उनकी लैंग्वेजेस सेम होंगी, उनके रिलीजन भी सेम हो सकते हैं। तो जो नेशन होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स या बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। बाज़ नेशन होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स एक साथ एक जैसे होते हैं, तो वो उन बेस पर एक नेशन कहलाती है। कुछ ऐसी नेशंस होती हैं जिनमें एक दो ही फैक्टर्स सेम होते हैं लेकिन कहलाती वो भी नेशन ही है। तो वो लोगों का ग्रुप कि जिनके आपस में कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनके बिना पर वो एक नेशन कहलाते हैं। उन फैक्टर्स में जैसे अभी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो कुछ फैक्टर्स की बेस पर बहुत ज़्यादा लोग आपस में जुड़े होते हैं, तो वो फैक्टर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो फैक्टर्स कम भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स की बेस पर लोगों का आपस में मुत्तहिद हो जाना, बाउंड हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना नज़रियाती तौर पर, उसको हम कहते हैं नेशन। मतलब वो एक जो ग्रुप है लोगों का वो नेशन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स आर अ नेशन, कि मुस्लिम एक नेशन है। हम कैसे कहते हैं कि मुस्लिम एक नेशन है, कि देखें दुनिया में कितनी आबादी, अभी एक सर्वे आपको सर्वे का हवाला दिया जाता है आपको कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2022 अर्थ इज होम टू मोर देन 1.9 बिलियन मुस्लिम्स, के पूरी ज़मीन पर 1.9 बिलियन मुस्लिम्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो बहुत दूर दूर रहते हैं, कि मुसलमानों की अक्सरियत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरेबिया में, इराक, शाम, ईरान, तुर्की, इस तरह और बहुत से ममालिक हैं कि जहां पर मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे एक किसी मुल्क में इकट्ठे नहीं हैं। लेकिन उनमें क्या चीज़ कॉमन है, उनका रिलीजन कॉमन है, उनकी हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशंस, ये चीज़ें, उनका लैंग्वेज, मतलब जो एक उनकी रिलीजियस लैंग्वेज है हमारी, वो सेम है। तो ये क्या चीज़ है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर ये तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे हैं, और इस एज अ होल फिर इनको क्या नाम दिया जाता है कि वो एक नेशन है। मुस्लिम्स आर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड बट दे हैव कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन एक्सेट्रा, कि ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेस पर वो यूनाइटेड हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ नेशन, इस वजह से इन्हें नेशन कहा जाता है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर में हम अपनी इस नेशनलिज्म के बारे में देखेंगे।